नमस्कार बंधुरा वेलकम टू द मिमिनेने ब्लॉग। आज के आबारो नतून भिडियो निये एसेछि। शुधुमात्र टमेटो आमार छाद बागान थेके हार्वेस्ट करा। तो जारा आमार चैनेले नतून प्रथमबारेर मतो आमार भिडियोटी देखछेन अवश्य सबस्क्राइब करे देबे आर पाशे थाका बेल आइकने अल प्रेस करे देबे जाते करे आमि जखोनई नतून नतून भिडियो आपलोड करब सबार प्रथमे तोमरा जाते पेये जाओ। तो आमार छाद बागाने शीतेर किछु टमेटो आमी बसिएছিলাম तो सेटा आज के एखन हार्वेस्ट करब। तो एटिके चेरी टमेटो बला हय, छोटो छोटो एकदम ही तो खेते खूब टेस्टी हय टमेटोगुलो। तो माछ दिए खेते सब किछु दिए खेते भालो लागे, सब्जी मांस जा दिए खावा जाए तो खूब भालो लागे। एकदम छोटो छोटो टमेटोगुलो एकटु टकटको हय। तो ये टमेटोगुलो आमी बसिएছিলাম। तो जदिओ आमी एकदम चारा तैरी करे बसाइनि, कारणटा हलो आमार आगेर बारे जे चेरी टमेटोगुलो आमी लागिएছিলাম तो सेखान थेके बिची पड़े माटिते एमनि छिलो। तो तारपरे रिपोर्टिंग करार परे निजे थेके ए टमेटो गाछगुलो हयेछे तो आमी रेखे दिएछि। आर एखन ए गाछगुलोते खूब बड़ो हयेछे गाछ एबं प्रचुर फलও धरेছে, प्रचुर टमेटो। और पाखिरा एसे एसे भाबछि एकदम पेके गेले लाल होये गेले तारपरे आमी तुलबो, किन्तु ता हलो ना, कारण पाखिरा अनेक खेये नष्ट करे दिच्छे। तो पाखिरा खेले भालो लागे किन्तु अतिरिक्त नष्ट करे दिले तखन खराब हय। तो तार जोन्नो आमी किछु एकदम पाका किछु आधा काचा तो सेगुलो आमी एकदमई एखन तुले नेब। लाल करे एकदम पेके आछे आमार चेरी टमेटोगुलो, देखते खूब सुंदर एकदम छोटो छोटो करे एकदम राउंड बलेर मतो मार्बलेर मतो ओई रकम साइजे। और एटी हलो बड़ो टमेटो। तो एटी पचे गेल, फांगास लेगेछे निश्चय। तो बड़ो हलेओ एटी देशी टमेटो। आमार एबारेर आमार हाइब्रिड टमेटो शुधुमात्र दुटी या तीनटी गाछ शुधुमात्र हयेछे और बाकी जतगुलो गाछ तो सेटी सबगुलो देशी टमेटो हयेछे। और एतो टक कि बोलबो, तो बाजारे देशी टमेटो एकदमई पावा जाय ना, हाइब्रिड टमेटो प्रचुर पावा जाबे। तो जारा आमार टमेटोगुलो खेयेछे तारा बोलछे एतो टक, बाजारे एई रकम टमेटो एकदम खाटी जे देशी टमेटो सेटी एकदम बाजारे पावा जाय ना, हाइब्रिड सेगुलो पावा जाय। এই রকমটা বলেছে কিন্তু অনেক টক টমেটোগুলো। তো আমি মাছ দিয়ে মাংস দিয়ে এইভাবে ঝোল একদম ঝোল করে খেয়েছি, টক রান্না করে খেয়েছি। এই রকম প্রচুর টমেটো হয়েছে। আর এই ক্যারির মধ্যে যা টমেটোগুলো আছে তো এটিকে কাঁচা পাকা যাওই হবে প্রথমে সব তুলে নেব। এখান থেকে আগেও অনেকবার তোলা হয়েছে টমেটো। তো গাছগুলো একদম শুকনা হয়ে আছে, কারণটা হলো আমি জল আর দেইনি। কারণটা হলো আমি ক্যারিটাকে একদমই খালি করে নেব। এখন খালি করে এখানে বর্ষার যে সবজি তো সেগুলো এখানে গ্রো করাবো। আমার আর কোনো ক্যারি নেই তার জন্য। তো প্রতিবারে আমি এই রকমই করি, শীতের দিনে শীতের গাছগুলো বসাবো, তারপরে বর্ষার দিনে বর্ষা সবজি। তো এইভাবে আমি মাটিতে চেঞ্জ করে করে নেই। তো তার জন্য এখন যাওই আছে গাছের মধ্যে কাঁচা পাকা যা পাবে সবগুলো আমি তুলে নেব। তো এতটুকু আমি তুলে নিলাম, কাঁচা পাকা এইটুকু পেয়েছি। তো এখন সর্বমোট আমি এইটুকু টমেটো হারভেস্ট করেছি আমার ছাদ বাগান থেকে। ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর কত কেজি টমেটো পেয়েছি সেটাও অবশ্যই জানাবে।